या ज्ञान इज रियली बैडली हर्ट, बहुत चोट लगी है उसे। ज्ञान की चोट तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन सिद्धि उसका क्या? वो रो रो के पागल हो जाएगी। ज्ञान के लिए खुद को मार रही है वो, और मैं माँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। आई एम टोटली हेल्पलेस। वरुण प्लीज सिद्धि को वहां से निकालो। आई बेग यू वरुण, तुम ही हो जो उसको उस दलदल से निकाल सकते हो। प्लीज वरुण। आंटी ये क्या कर रहे हैं आप? सिद्धि को लेकर मैं भी बहुत वरिड हूं। आज मैंने उसकी जो हालत देखी है, मैंने डिसाइड कर लिया आंटी, मैं कल ही चाय जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लूंगा। फिर ना तो सिद्धि खुद वहां से जा सकती है, ना उन सबको वहां से कहीं ले जा सकती है। आंटी हमें ही उसके लिए कुछ करना होगा, वहां से निकालना होगा उसे। थैंक यू वरुण, गॉड ब्लेस यू, यू आर एन एंजल। जिसने भी मेरे दोस्त पर हाथ उठाया है, सामने आओ। अगर मर्द है तो सामने आओ, मुझसे सामने करो। चूड़ियां पहनी है क्या? एक बार अक्षय ठकरा के सामने आओ। है हिम्मत? कह देना उन लोगों से, अगर उनमें से किसी की परछाई भी मेरे दोस्त के आसपास दिखाई दी तो वो दिन उनका आखिरी दिन होगा। सुना तुम लोगों ने? अभी इसी वक्त आप सबको मेरे साथ चलना होगा। मैं आप सबको इस गंदगी में नहीं रहने दूंगा। बस अक्षय में बस ज्ञान, बहुत सुन चुका हूं मैं तेरी बात, अब और नहीं सुनूंगा। मेरे होते हुए आप सब लोग इतना सब कुछ सह रहे हैं और मैं खड़े खड़े तमाशा देखता रहूं? इम्पॉसिबल। आप लोग अपने बैग्स पैक कीजिए और चलिए यहां से। कहां है बाबूजी? मैं उनसे बात करूंगा अभी इसी वक्त। बेटा भाईजान तो हॉस्पिटल गए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनसे वहीं जाके बात करूंगा। आप लोग चलिए मेरे साथ अभी। सिद्धि जल्दी से इन सबके बैग्स पैक करवा और चलो यहां से। ध्यान कहो ना, इन सबसे कहो ना ये लोग तैयारी कर ले। अक्षय हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। समझने की कोशिश कर। नहीं क्या? जस्ट टेल मी यस और नो। तू सबको साथ लेकर मेरे घर आ रहा है या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। अच्छा। हाँ या ना? अक्षय ऐसे तो हाँ या ना ज्ञान? नहीं। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। आज साबित कर दिया तूने, साबित कर दिया कि मेरा तुझ पर और इस परिवार पर कोई हक नहीं है। गलती मेरी ही थी जो दोस्ती का हक जताने चला आया यहां। प्रार्थना, मैं इन अजनबी लोगों से दूर नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
ज्ञान, अगर आ सको तो। भाभी, आप तो समझती हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इतने दूर रहने के बावजूद कितने करीब हैं हम, और कहीं ये नजदीकी हमारे रिश्ते को धुंधला न कर दे। मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, और प्लीज मेरी जिम्मेदारियां मुझे खुद ही निभाने दीजिए, वरना मैं खुद की नजरों में ही शर्मिंदा हो जाऊंगा। चल चल, पैसा निकाल, तेरा काम कर दिया ना। काम बहुत मस्त किया तुमने अपुन का। अगर तुम उस छोकरी को नहीं फंसाती थी ना, तो अपुन उसके मर्द का वंट का वर कैसे कर पाता था। ये ले मौसी, सब तेरा है। ये तो वही बदमाश है, मारा था ना इसने हमारे चाचू को। अब देख मजा। कौन है? कौन है इतनी रात को? कौन है? ज्ञान इतना जिद्दी कैसे हो सकता है प्रार्थना? इतना सब कुछ हो गया और अब तो ज्ञान के साथ भी हुआ, तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। वो हम पर बोझ नहीं बनना चाहता। हाँ अक्षय, वो अपनी जिम्मेदारी हम पर नहीं डालना चाहता है, चाहे उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ कुछ भी होता रहे। अक्षय प्लीज, एक बार आप ज्ञान की जगह रहकर सोचने की कोशिश कीजिए। वही तो कर रहा हूँ प्रार्थना, उसकी जगह जाकर सोचा तभी तो हक से उसे बुलाने चला गया, लेकिन वो तो। और वो नहीं समझ रहा, और उसने यहाँ आने से मना कर दिया, और तुम नाराज हो गए और वापस लौट आए। और मैं क्या करता विशाल? कम ऑन अक्षय, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो,
जाओ उनका सामान उठाकर उन्हें यहां लेकर आओ। हाँ अक्षय, वो तो मना करेगा ही, बट अक्षय एज अ ट्रू फ्रेंड तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? तुम इसी तरह ज्ञान की फैमिली को हर्ट होता हुआ देखते रहोगे? अगर तुम्हारी जगह मैं होता और ज्ञान जैसा मेरा कोई सच्चा दोस्त होता ना, तो मैं उसे एक मिनट उस गंदी जगह में रहने नहीं देता। गॉड फॉरबिड अगर कल को वहां किसी के साथ कुछ भी हो जाए, तो क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? ज्ञान अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम्हें अब अपनी ड्यूटी निभानी है। वो मना कर रहा है, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह उसे यहां लाना है अक्षय। अरे सोच क्या रहे हो, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट, अभी जाओ ना यहां लेकर आओ। एक बार तुम उन्हें यहां ले आओ, बाकी हम संभाल लेंगे। इतना मत सोचो अक्षय, कहीं इतनी देर में ऐसा कुछ ना हो जाए कि तुम जिंदगी भर पछताओ और खुद को माफ ना कर सको। नहीं विशाल, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं ज्ञान की फैमिली को यहां लाकर ही रहूंगा। अब चाहे ज्ञान मुझे मना भी करे, लेकिन वो मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। कोई तो राज है, कुछ तो छुपा है विशाल भैया और तराना भाभी की उस मुस्कुराहट के पीछे। क्यों वो जिद कर रहे हैं कि ज्ञान के परिवार को यहाँ गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने के लिए? उन दोनों का इतना इंटरेस्ट लेना कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रार्थना, तुम अब तक सोई नहीं, क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो प्रार्थना, बताओ ना प्रार्थना क्या हुआ? नहीं अक्षय, आपको ये सब बताकर हम और परेशान नहीं करेंगे आपको। और फिर अभी हमें भी तो कुछ नहीं पता, फिर आपको हम क्या बताएं? मैंने ज्ञान के लिए जो डिसीजन लिया है उसके बारे में सोचकर परेशान होना तुम, मैं क्या करूं प्रार्थना? मजबूर भी तो उसी ने किया है, वो खुद बदल गया है प्रार्थना। पता है प्रार्थना, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तब एक दिन कॉलेज में कुछ लड़के मुझसे झगड़ने लगे, यहां तक कि हाथापाई भी हो गई। तभी वहां सही वक्त पर ज्ञान आ गया और उसने उन लड़कों की ऐसी हालत की कि दोबारा उन लड़कों ने मेरी तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसे ऐसा तो करना ही था। नहीं प्रार्थना, उस वाकये तक हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, उसके बाद ही हम दोनों की पहचान हुई। तब भी उसने मुझ जैसे अनजान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और जब वजह पूछी तो पता उसने क्या कहा? क्या? क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक ही बात पर विश्वास करता है कि अगर सही काम सही वक्त पर किया जाए तो ही वो सही कहलाता है। मैं उसकी वो बात आज तक नहीं भूला प्रार्थना। हम लाइफ में कितना कुछ करते हैं, और सच में कुछ बातों के लिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वो सही वक्त पर की जा रही है या नहीं। और आज मैं भी ज्ञान और उसकी फैमिली के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहता था, क्योंकि यही सही वक्त है प्रार्थना, जब उन्हें उस चौल से निकल जाना चाहिए। इसीलिए मैं उन्हें अपने गेस्ट हाउस में लाना चाहता था, सोचा था दिवाली तक जरूर ले आऊंगा, तो हम लोग दिवाली भी साथ मना लेंगे। लेकिन ज्ञान ने
शायद वो अपनी कही बात खुद ही भूल गया। अब न वो लोग यहां आएंगे न मेरी दिवाली साथ मनाने की विश पूरी होगी। अब कुछ नहीं हो सकता, कोई उन्हें यहां नहीं ला सकता। हम लाएंगे उन्हें, ये हमारी पहली दिवाली है और हम आपकी ये विश जरूर पूरी करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन कैसे प्रार्थना? आप हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ है, तो बस विश तो पूरी होनी ही है। अक्षय, यू ट्रस्ट मी ना? अच्छा परजाई जी, अब हम चलते हैं। भाईजान, वहां जाकर कोर्ट केस का मसला देखना बहुत जरूरी हो गया है। परजाई जी, तुसी अपना ख्याल रखना। अब तो आप हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन जब तक मैं गांव से वापस आऊं आप बिल्कुल चंगे मिलना मेरे को। वादा करो मेरे को, बिल्कुल ठीक मिलोगे मेरे को आप? कैसे करूं वादा, उधार की जिंदगी तो जी रही हूं, किस हक से वादा करूं? परजाई जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? सच्ची तो कह रही हूं, मैं तो कब की मर गई होती। तुम लोगों का प्यार और अपनी अपनी खुशियों की कुर्बानी देना ही तो है जिसके वजह से मैं जिंदा हूं। भाभी जान, देखना एक दिन हमारी सारी तकलीफ, सारे दुख सब दूर हो जाएंगे। बस एक बार इंशाल्लाह हम ये केस जीत जाए। और प्राजी ने तो कहा है कि ये केस हम हार ही नहीं सकते, है ना प्राजी? बस कुछ ही दिन का इम्तिहान और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जाई जी, तुसी हुन लेट जाओ, अभी अभी दवाई ली है ना, तुसी आराम कर लो, आओ। और सुन पूजा, वीर जी और परजाई जी की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है, मेरी जगह तू ही है यहाँ पे, समझी? लंबी उम्र हो पुत्र, ध्यान से जाना। मैं आता हूं। धर्म खान, ये केस हमें किसी भी कीमत पर हारना नहीं है, क्योंकि इसी केस पर हमारे पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है। इंशाल्लाह ये केस हम ही जीतेंगे। हाँ वीर जी, ऐसी जा रहे हैं ना, तुसी बिल्कुल चिंता ना करो। और फिर मेरे को तो अपना बिजनेस भी समेट समाट के खत्म करके आना है, मैं बचे खुचे पैसे भी सारे इधर ही ले आने हैं। हाँ यार, अब यहीं बंबई में ही कोई काम शुरू करेंगे, यहीं एक नई शुरुआत होगी हमारी। वीर जी तुसी चिंता ही ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा परिवार मेरे साथ है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। हुन तुसी लोकी चलो, कहीं गड्डी ना छूट जाए। बस बस बस। ये केस हमें किसी भी कीमत पर हारना नहीं, क्योंकि इसी केस पर हमारे पूरे परिवार की आखिरी उम्मीद टिकी हुई है।